नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं पिछले वीक में बताए हुए आपने मेरे उपायों को फॉलो किया होगा। अभी तक नववर्ष आपके लिए अच्छा व्यतीत हो रहा होगा। आने वाला सप्ताह भी, आने वाला समय भी आप सभी के लिए अच्छा व्यतीत होगा यदि आप ये बताए हुए उपायों को रेगुलरली फॉलो करते हैं। एक छोटी सी चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि अपने आप को ग्रहों के अनुसार अलाइन कर लेना। जब बॉडी के वाइब्रेशंस एनवायरमेंटल वाइब्रेशन के साथ अलाइन हो जाते हैं तो एक स्पंदन की स्थिति बन जाती है जिसमें नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल पाती हैं। तो ये जो उपाय हैं ये आपके बॉडी को एनवायरमेंटल एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट करने के लिए ही काम आते हैं। बात करते हैं कि आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि का समय शुक्र, शुभ धन है हीरा, शुभ दशा छह मुख्य दश, शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व की दिशा। इस सप्ताह सितारे इस राशि के जातकों के साथ हैं। कारोबार में बढ़ोतरी होगी, विवादित मामले को सुलझाने में आप सफल रहेंगे। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत पड़ेगी। सप्ताह छात्रों को भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। कैरियर की राह में आपको और पसीने बहाने की जरूरत पड़ेगी। प्रेम संबंधों के हिसाब से सप्ताह अनुकूल और सकारात्मक रहेगा। प्रेमी युगल एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। पारिवारिक संबंधों में प्रागृता आएगी। यदि कोई स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो समाप्त होंगी। तीर्थ व प्राकृतिक यात्राओं के योग भी बनते हैं। इस सप्ताह आप यात्रा का अधिक आनंद ले पाएंगे। आप प्रिय मित्रों के और प्रियजनों के साथ में आप इस सप्ताह अच्छे हंसी खुशी से व्यतीत कर पाएंगे। तो देखा जाए सप्ताह एक अच्छा सप्ताह है। सप्ताह को अच्छा सप्ताह और कैसे बना सकते हैं जानते हैं कुछ उपाय। काले रंग की चींटियों को आप चीनी खिलाएं। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से जाने से पूर्व आप 10 वर्ष से कम की आयु की कन्या के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। काले रंग की गाय की सेवा करें, दही से स्नान करें। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना शुभकारी रहेगा। धतूरे की जड़ या फूल आपको गले में धारण करना शुभकारी रहेगा। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर जाएं। जरूरतमंदों की सेवा करें, कुछ रोगियों को सेवा करें। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी दें और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करें। ये उपाय यदि इस राशि के जातक करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह आपके लिए साबित होगा। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आता हूँ, सारे उपाय करना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं है। समय और इंटरेस्ट दोनों ही इम्पॉर्टेंट इंसान की लाइफ में इम्पॉर्टेंट थिंग है। जो आपको कार्य अच्छे लगते हैं, जैसे पार्टी करना किसी को पसंद है तो उसके लिए अध्यात्म की तरफ ध्यान देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सारे उपाय आप नहीं कर सकते हैं, वो संभव भी नहीं है। उसके लिए आपको अपने बाकी चीज़ों के बाकी कार्यों से शेड्यूल से आपको सेक्रीफाइस करना होगा, जो कि आसान नहीं होता। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट उपाय हैं वो ये हैं कि आचार विचारों में आप बदलाव लेके आएँ। कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रखना है। जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको यही सोचना है। जीवन है तो प्रॉब्लम है, खुशियाँ हैं तो गम है, दुख है तो सुख भी है। तो यदि आप इन्हीं थॉट प्रोसेस के साथ आने वाले कुछ आचार विचार को अपने ठीक कर सकें और तो आने वाले समय में कोई भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स या ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे आपको हमेशा छुटकारा मिलता जाएगा। समय कभी भी अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। तो ये एक थॉट प्रोसेस है, एक अच्छा थॉट प्रोसेस है जिसके साथ आप आने वाले सप्ताह में यदि अपने आपको पॉजिटिव रखेंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे। आने वाला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए शुभकारी मंगल में रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।